आप सभी प्यारे सदस्यों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। लेखपाल की परीक्षा हुई, बहुत सारे सदस्य चयनित हुए और अब डीवी आपका 19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जो चयनित हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम कोई वैकेंसी तो फाइनल होने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे सदस्य ऐसे भी हैं जो लेखपाल के सहित और भी परीक्षाओं में चयनित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। उन सभी सदस्यों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि डीवी स्किप अभियान का साथ दें, अपने लेखपाल के वो सभी अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनके परिवार में एक नई रोशनी लाएं, उसके भविष्य के सपनों को उड़ान दें। आप एक डीवी स्किप करके उसकी सही जानकारी देके एक घर में उजाला कर सकते हैं, एक बच्चे की किस्मत बना सकते हैं, क्योंकि आपको वो मिल चुका है जो आपको चाहिए था। यह सभी साथी मिलने आए थे, आप इन साथियों की आवाज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं इन साथियों को कि इन्होंने क्या क्लासरूम में कहा। और मैंने भी भरकस प्रयास किया इन साथियों से मिलकर इनको मोटिवेट करने का और सभी बच्चों से अपील की कि वो भी अपने जानने वालों से ऐसा कहें। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 19 तारीख से जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उस प्रक्रिया के लिए सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं, डीवी स्किप अभियान का हिस्सा बने। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जो सिलेक्शन से आगे के रेशियो में है, जो सिलेक्शन में आ सकते हैं, तो आपका एक निर्णय उस बच्चे के सपने को उड़ान दे सकता है, उसके परिवार में रोशनी ला सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नौकरी कितनी बड़ी चीज होती है। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर इसके लिए आगे आएंगे और डीवी स्किप करेंगे। अब आप इन साथियों को सुनिए जो दिन रात आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं और डीवी स्किप करा रहे हैं। इन सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत साधुवाद, जो केवल ना केवल अपने लिए बल्कि आप सभी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और एक नई परंपरा को स्थापित कर रहे हैं। सर, जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें लगभग 5 से 10% सीटें जो है वैकेंट चली जाती है, सिर्फ इसीलिए कि एक लोग का सिलेक्शन एक जगह हुआ है, दो जगह हुआ है, तीन जगह हुआ है, वो जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लेते हैं लेकिन वहां पे जाके ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इससे ये दिक्कत आती है कि जो नीचे मेरिट वाले जो लड़के हैं उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता और फिर वो इसी तरह भटकते रहते हैं। तो ऐसे सभी भाइयों से अनुरोध है जिनका 3 जगह 4 जगह सिलेक्शन हुआ है, वो ना जाए डीवी करवाने, और वो किसी एक जगह जहाँ पे सेम पे ग्रेड पे अगर पा गए हैं या अपर पे ग्रेड पे पा गए हैं तो बस केवल अपना ज्वाइनिंग लेटर जो आपके टेबल पे ना सजाएं, ये लोगों का भविष्य है। ये बहुत ही सर चिंताजनक बात है कि 5 से 10% चीजें सर वैकेंट चली जाती है, इतनी सीटें यूपीएसआई में भी हुआ, ये यहाँ भी सर होने वाला है, लगभग 2 से 3 हजार सीटें सर वैकेंट चली जानी थी। तो ये हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि ये केवल इसी में नहीं, ये आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए है कि जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं तो अपनी छोटी जगह जो है वहां पे जाके डीवी न करवाएं, वो स्किप कर दें। धन्यवाद। कि ये जो डीवी लेखपाल डीवी स्किप मोमेंट है, ये अगले आने वाली भर्तियों के लिए एक मिसाल होगा कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा इससे बड़ी पोस्ट पे सिलेक्टेड है और वो डीवी करवा रहा है केवल ईगो सेटिस्फाई कराने के लिए तो ना कराए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही बता रहा हूँ, मेरा उसमें भी अच्छा नंबर है वीडियो री एग्जाम 2018 वाले में, लेकिन मैं अगर इसमें हो गया पे ग्रेड समान है तो मैं खुद डीवी स्किप करूंगा, आने वाली भर्तियों के लिए भी रास्ता मतलब वो रहेगा इसी के रिगार्ड। और लेखपाल डीवी का सब लोग समर्थन करें, अपने मित्रों को भी ये मैसेज कन्वे करें और जहां तक बात जाए, और धन्यवाद।